यहाँ मांडवी के लोग इसको सफेद आवड़ा बोलते हैं, पर इसका नाम है सिद्धेश्वर मंदिर। क्या नाम है? सिद्धेश्वर मंदिर। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी के सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं उठ चुका हूँ और वीडियो भी अपलोड कर दी। और अब करते हैं गर्म पानी, बाहर लगाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा सा इतना पड़ा है, रात को स्प्रे कर दी थी और ये सब यहाँ पे एडिटिंग कर दी और ये सब यहाँ पे बिखरा हुआ। तो चलो अब पानी गर्म कर लेते हैं और उसके बाद नहाएंगे। तो पहले पानी को गर्म करते हैं। चलो साइड में कर देते हैं। जब तक पानी गर्म होता है तब तक कुछ वो एकदम बिस्तर सब लगाता हूँ एकदम सही, उसके बाद मिलता हूँ आपको। सभी का सीन ये है कि मेरे फ्रेंड ने कॉल किया मेरे को कि चलते हैं शूट पे, तो उसने पास कैमरा है तो जाते हैं अभी, देखते हैं क्या होता है। तो चलो तो भाई ने बोला है कि मेरे दुकान पे आ जा, तो जाता हूँ। दुकान पे है कि आगे पता नहीं, तो फटाक से जाता हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा। उसने बोला जल्दी आ जा, तो चलो चलते हैं। गाइस अभी का सीन ये है कि पता नहीं कहाँ है, अभी तक आए नहीं और मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, तो देखते हैं कब तक आता है। तो भाई आ चुके हैं, क्या बोलना चाहोगे इतना लेट आ गए? भाई लेट नहीं है, बिल्कुल लेट नहीं है। आप झूठ बिल्कुल बोलो भाई। यहाँ पे आ चुके हैं बट मेरे को लोकेशन का पता नहीं है ये कौन सी जगह है। तो ये भाई साहब लेके आए हैं, ये हमारे एकदम बाड़मेर का सबसे बड़ा मंदिर, ये रहा सफेद आंकड़ा। ये नाम है सफेद आंकड़ा। सफेद आंकड़ा यहाँ पे झूले वगैरह पार्क बार्क सब। बाड़मेर के लोग इसको सफेद आंकड़ा बोलते हैं, पर इसका नाम है सिद्धेश्वर मंदिर। क्या नाम है? सिद्धेश्वर मंदिर। तो है तो काफी अच्छी जगह, पार्क ये देख सकते पूरा। और वो रहा मंदिर वहाँ है, ये पूरा गार्डन है। काफी अच्छी जगह तो है, खतरनाक मजेदार है। ये पूरा देख सकते हो किले टाइप का बना हुआ, जैसलमेर के जैसा। जैसलमेर का पत्थर है शायद, जैसलमेर का पत्थर है ना ये पत्थर कौन सा है? कैसे पत्थर? ये जो लगे हुए हैं इसमें, जैसलमेर टाइप के हैं पत्थर। फौरन से मंगे हुए पत्थर ये। कोई सेंस है इस बात की? क्या है ये? क्या है? तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं, अब यहाँ पे फोटो वगैरह लेते हैं। तो हमारे पास पूरा सेटअप है, कैमरा है, मॉडल भी है, माइक भी है और शूट करते हैं। तो गाइस फोटो शूट कंप्लीट हो चुका है, तो फोटो देना इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा मैं। और काफी ठीक फोटो आए और एडिटिंग भी करी। और ये मंदिर देख सकते हो काफी अच्छा है। और अब चलते हैं घर। तो गाइस अब जाने वाले हैं, फोटो शूट कंप्लीट हो चुका है, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देंगे और अब जा रहे हैं। मेरा भी चैनल तो थोड़ा सपोर्ट करना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन देंगे। बाढ़ में ब्लॉगर मेरा नाम सर्च करना आ जाएगा, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है तो चलो निकलते हैं। अरे इस भाई को भी सपोर्ट करो, लाइक करो यार, लाइक तो आ जाएंगे, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, हाँ वॉच करो। चलो निकलते हैं घर। इंस्टा पे अपलोड कर दूंगा। और अब बहुत ही ज़्यादा भूख लग चुकी है क्योंकि अभी के दिन के बज चुके हैं 1 और अब फटाक से खाना बनाते हैं, दिन खाते हैं। गाइस खाना बना चुका है, बन चुका है दाल प्लस रोटी, तो फटाक से खाते हैं और देन आपको मिलते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगी। खाना खा के कंप्लीट हो चुका है और अब जो भी मेरी स्टडी है वो कर
करता हूँ और देन आपको मिलता हूँ। तो गाइस अभी के बज रहे हैं शाम के 5 और मैं अभी अभी जस्ट उठा हूँ और शेरू जिम चला गया। उसने मेरे को बोला कि नीचे से गेट बंद कर दे और बाइक निकाल के चला गया जिम और मैं तो ऊपर आ चुका हूँ छत के ऊपर। जैसे आज सन ठीक पड़ रहा है यहाँ से, इतनी ठंड है ही नहीं, बादल में कुछ है ही नहीं और बैठे हैं, देखते हैं वो कब तक आता है, शाम को बना दें खाना तो देखते हैं क्या कुछ सीन होता है। तो गाइस अभी का सीन ये है कि अभी के बज रहे हैं शाम के 7 और अब बना रहे हैं खाना। इसमें अंडे लगा दिए हैं और अब बनाते खाना। अपना खाना आ चुका है, रोटी प्लस आमलेट, तो फटाक से खाते हैं। खाना खा के कम्प्लीट हो चुका है और अब करता हूँ स्टडी, जो कि काम बाकी है तो वो करता हूँ ऑब्वियसली 2 घंटे और वो करके देन आपको मिलता हूँ। तो हे गाइस अभी के बज रहे हैं रात की 11 और वीडियो की एडिटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब मेरे को सोना है क्योंकि सुबह जल्दी उठ के जाना है कॉलेज और कॉलेज का सब काम कंप्लीट हो चुका। और इस व्लॉग में आज आपने देखा कि मैं गया था सूट पे, फोटो शूट वगैरह कुछ किया, वापस आया, खाना बनाया, खाया और कॉलेज का काम कंप्लीट किया। इतना इस व्लॉग में, अब इस व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। इंट्रोडक्शन तो करो यार, क्या बात कर रहे हो यार, बिल्कुल भी बस बजना चाहिए।